सर क्षेत्र में आपने कहाँ कहाँ सुरक्षा व्यवस्था किस तरह है? देवी माँ के सभी मंदिरों पर पर्याप्त पुलिस बल लगाया गया है, साथ ही आसपास भी जो है सिविल वस्त्रों में भी ड्यूटियाँ लगाई गई हैं, जिससे कि कोई जिपकतरी आदि की शिकायत ना हो पाए। और पार्किंग की भी व्यवस्था की गई है, जिससे कि निर्धारित स्तर पर ही लोग अपने वाहनों की पार्किंग करें और अच्छे तरीके से लोग मंदिरों में दर्शन कर सकें। घाटों पर भी विशेष व्यवस्था की गई है, जल पुलिस की भी व्यवस्था की गई है, गहरे पानी की तरफ जो है लोग ना जाएं, इसके बोर्ड भी लगवाए गए हैं। और सभी मैं अपील करूंगा आपके चैनल के माध्यम से कि लोग जो है गंगा जी में गहरे के पानी की तरफ ना जाएं, जो निर्धारित बोर्ड लगे हैं या बैरिकेटिंग है जल पुलिस की, उसका जरूर पालन करें। निर्धारित क्षमता से अधिक नाव में ना बैठें और अपने सामान की भी ध्यान रखें, और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति या वस्तु नज़र आती है तत्काल पुलिस को सूचित करें। सर ये पार्किंग की जो व्यवस्था है वो किस किस जगह पे है, और मंदिर परिसर से कितनी दूर पे पार्किंग रहेगा? ये नगर निगम के द्वारा पार्किंग स्थल चिन्हित किए गए हैं, और इसके अतिरिक्त भी यदि कहीं कोई खाली जगह है और जिससे कोई ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है, तो ऐसे स्थलों को भी चिन्हित किया गया है। सुरक्षा व्यवस्था पर सर कितना ध्यान रहेगा लोगों? सुरक्षा व्यवस्था में हमारे सिविल पुलिस, आर्म पुलिस के जवान, पीएसी के जवान, जल पुलिस और इसके अतिरिक्त ट्रैफिक पुलिस के भी जवान तैनात किए हैं। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ लाइव VNS से। बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।